Welcome to all of you. My name is Ashish Garg and we will be going to study stability of slopes in soil mechanics. So basically stability of slopes both ek chota chapter hai aur scoring chapter hai. Gate mein usually 2 marks ka question pooch lete hain har ek 2 saal mein aur varna 1 marks ka question to usually pucha hi jata hai stability of slopes se. Aur ESC mein around 2 questions every year इज यूजली बीन आस्ट. तो ये चार मार्क्स का आपका टॉपिक बन जाता है फ्रॉम ESC पॉइंट ऑफ व्यू से. तो शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में हमारे पास हम पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से पूछे गए हैं. PYQs मेनली चार पांच टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लेट मी टेल यू वन बाय वन. फर्स्ट टाइप इज यू हैव गिवन अ स्लोप. आपको स्लोप दिया रहेगा, आपको बता दिया जाएगा बीटा, आपको बता दिया जाएगा फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. आपको बता दिया एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और बीटा वैल्यू. आपको पूछा जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा. ये आपको कोहेजनलेस सोइल हो सकता है ये, या कोहेजिव सोइल भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली कोहेजनलेस सोइल में आपसे ये क्वेश्चन बनता है. फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है. अब इसी में एक इंप्रूवमेंट करके एक दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं. इफ वी हैव द वॉटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल देन वट विल बी द न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा FOS डैश वो क्या होगा, और इसको बताने के लिए हमें E की वैल्यू और G की वैल्यू भी गिवन रहेगी. तो क्या बताना पड़ेगा, नया फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा हमारे पास. तो एक तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गया. फिर हमारे पास जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं वो है आपका, जैसे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्लोप होती हैं. One is the finite slope and another is the infinite slope. There is a different failure for finite slope and different failure in case of infinite slope. Finite slope में आपको जैसे base failure मिलेगा, toe failure मिलेगा और face failure मिलेगा. तो what is the different condition for the failure of slope, वो आपसे generally पूछ ली जाती है. तो question क्या बनेगा, failure of slope से question बनता है. फेलियर ऑफ स्लोप से एक ये क्वेश्चन बन जाता है. तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है आपका इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से आप व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड एनालिसिस, हाउ वी डू द एनालिसिस ऑफ स्लोप्स, उससे एक क्वेश्चन बन जाता है. तो स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप. स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे हमारे पास टोटल स्ट्रेस मेथड के, टोटल स्ट्रेस मेथड से स्लोप की स्टेबिलिटी निकालते हैं. हमारे पास जैसे यूजुअली हम थ्री मेथड पढ़ते हैं, तो उसमें स्वेडिश सर्कल मेथड है हमारे पास जिससे क्वेश्चन यूजुअली बनता है. देखेंगे उसको कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा वो. तो बेसिकली एक ये क्वेश्चन बनता है. फिर फोर्थ क्वेश्चन बनता है आपका टेलर स्टेबिलिटी नंबर से, या फिर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी नंबर से. फोर्थ टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका स्टेबिलिटी नंबर से. आपको स्टेबिलिटी नंबर डिनोट करते हैं इसको SN से. ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, दिया था टेलर्स ने. तो इसके बेसिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन पूछा जाता है आपको. मतलब कि कोहेजिव सोइल्स में, फॉर प्योरली कोहेजिव सोइल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला उसके लिए, वो भी हम देखेंगे. एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है. यूजुअली यही चार टाइप या पांच टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक वन बाय वन. ये चारों कंसेप्ट कवर करेंगे उन टॉपिक में. ये मुश्किल से एक घंटे का टॉपिक है और स्कोरिंग है. यदि 2 मार्क्स भी फ्री में आते हैं तो क्या बुराई है. तो शुरू करते हैं.
तो बेसिकली स्लोप से हमारा मतलब क्या होता है, हमने 10th 11th 12th में पढ़ा है स्लोप का मतलब, एक बार दोबारा देख लेते हैं स्लोप्स का मतलब क्या होता है। स्लोप ये कोई ये रेशियो होता है हमारा वाई बाई एक्स इंटरसेप्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ दी पर्टिकुलर लाइन, तो इसी को बोल सकते हैं टेंजेंट थीटा ऑल्सो, टेंजेंट थीटा भी यही है। तो ये हो गया आपका स्लोप्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से सोइल स्लोप की, सोइल की जो स्टेबिलिटी है वो चेक करते हैं स्लोप्स के ऊपर। जैसे यदि आपको मैकेनिक्स याद हो तो उसमें हम यूजली एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते थे जिसका वेट डब्ल्यू हुआ करता, जिससे हम कैलकुलेट करते थे व्हाट विल बी द एक्सिलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हमारे पास पुली वगैरह के भी क्वेश्चन हुआ करते थे, आपको याद हो, फॉरगेट अबाउट दैट, बट इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। तो आपको वही सब चीजें इसमें दोबारा अप्लाई करनी है। तो क्या है, अब स्लोप्स यदि हम बात करें एज इन केस ऑफ सोयल स्लोप्स, दे आर क्लासिफाइड इन टू वेज, वी हैव नेचुरल स्लोप्स एंड अदर वन इज द मैनमेड स्लोप्स। नेचुरल स्लोप्स आर दो स्लोप्स विच वी फाउंड नेचुरली इन द एटमोस्फेयर एज द नेम सेड। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हमारे जो माउंटेनियस टीरेन है, हिली रीजन है, उसमें हमें स्लोप जो मिलती है वो नेचुरल स्लोप मिलती है। मैनमेड स्लोप का एक एग्जाम्पल है अपना इम्बैंकमेंट का, रोड इम्बैंकमेंट जो होता है उसकी जो साइड्स की जो स्लोप होती है वो एक मैनमेड स्लोप है। या फिर आप कोई एक्सकवेशन करते हैं तो उस एक्सकवेशन के दौरान जो स्लोप आपको मिलती है वो भी एक मैनमेड स्लोप है। तो ये तो होगी ये बात। अब बात करते हैं फेलियर ऑफ स्लोप से रिलेटेड, अपना अब टॉपिक है फेलियर ऑफ स्लोप से रिलेटेड, मतलब फेलियर ऑफ स्लोप में स्लोप्स का, सोयल स्लोप्स का फेलियर का बेसिक रीजन क्या है, व्हाई द सोयल स्लोप फेलियर अकर। वी हैव मेनली टू रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फर्स्ट रीजन इज व्हेन द शियर स्ट्रेस ऑफ द सोयल इंक्रीजेस, शियर स्ट्रेस ऑफ द सोयल इंक्रीजेस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ स्लोप। अब शियर स्ट्रेस ऑफ सोयल कैसे इंक्रीज कर सकता है, कंसिडर करते हैं ये हमारी स्लोप है। अब कोई सरचार्ज लोड यदि इस स्लोप के ऊपर एक्ट करता है, इसकी मान लिया डेप्थ एच है, अगेन दिस एंगल इज बीटा, फाइ इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज गिवन। अब यहां पर कोई सरचार्ज क्यों एक्ट कर रहा है सोयल के ऊपर, तो वो आपकी एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इंटेंसिटी इंक्रीज कर देगा आपकी क्यू टाइम्स, मतलब कि आपकी इंटेंसिटी क्यू टाइम्स ऐड हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो उस केस में चांसेस है कि आपकी फेलियर ऑफ स्लोप हो जाए, एक तो ये रीजन होता है। और दूसरा सेकंड रीजन क्या है हमारे पास, यदि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल डिक्रीज हो जाए, दोनों एक ही बात है लेकिन अलग अलग वे में है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए सॉरी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल कैसे डिक्रीज हो सकती है, यदि शियर स्ट्रेंथ की बात करें, यदि हमारे पास पोर वाटर टेबल जो है, यदि हमारे पास वाटर टेबल जो है यदि ये राइज कर जाए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल, मतलब क्या हुआ, वाटर टेबल राइज करने से क्या हुआ, जो आपका यहाँ पर यूनिट वेट था अब वो गामा सबमर्ज हो जाएगा, पहले क्या था गामा ड्राई या गामा टी था पहले, तो अब क्या हो जाएगा गामा सबमर्ज, तो आपका ओवरऑल स्ट्रेस इन सोयल विल डिक्रीज। तो स्ट्रेस जब डिक्रीज हो जाएगा चांसेस हैं कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल विल डिक्रीज, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल विल डिक्रीज, तो उससे क्या आएगा फेलियर ऑफ स्लोप हो सकता है। तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं स्लोप फेलियर के। बाद में हम पढ़ेंगे फाइनाइट स्लोप में फेलियर के नेम्स पढ़ेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कब जैसे बेस फेलियर कब होता है, तो फेलियर की कंडीशंस क्या है, तो वो सब पढ़ेंगे। अब एक आईएएस का क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का, उसमें एक बेसिकली कुछ स्टेटमेंट गिवन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट ये है कि इफ वी डिसिपेट द पोर वाटर प्रेशर एट द स्लोप्स ऑफ द सोयल, वट इज द इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ दैट
डिक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर। तो उससे आपका क्या होगा, यदि सोचो तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल विल इंप्रूव। यदि आप पोर वाटर प्रेशर को कम नीचे वापस ले जाते हो ग्राउंड लेवल तक, मतलब ओरिजिनल ग्राउंड पोजिशन पे, तो आपकी शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल विल इंप्रूव। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और इससे फेलियर ऑफ स्लोप से हम बाद में पढ़ेंगे भी क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं अब अपना दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्लोप से रिलेटेड। अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ स्लोप। ये टॉपिक है सेकंड, थर्ड टॉपिक हो गया है हमारा टाइप्स ऑफ स्लोप। टाइप्स ऑफ स्लोप वी हैव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ स्लोप। वन इज द फाइनाइट स्लोप एंड द सेकंड वन इज द इनफाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप का मतलब क्या है, जो अपने इसके नेम में इसका आंसर है, फाइनाइट स्लोप इज द स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट। मतलब क्या हुआ इस बात का, फाइनाइट एक्सटेंट की जो सोइल स्लोप है उसको बोलते हैं फाइनाइट स्लोप। द स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट, एक्सटेंट स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट इज नोन एज फाइनाइट स्लोप। तो मतलब क्या है, इसके हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, तो उस स्लोप को बोलते हैं स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट। इनफाइनाइट स्लोप किसे बोलेंगे फिर, द स्लोप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट जो हमें हिली रीजन में देखने को मिलती है वो ये स्लोप है, इनफाइनाइट स्लोप, स्लोप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। अब बात करते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करने की, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं फाइनाइट स्लोप में और इनफाइनाइट स्लोप में, क्या मेथड ऑफ एनालिसिस है। तो बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। टॉपिक शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप से। स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप्स, सबसे पहले बात करेंगे कोहेजनलेस सोइल के लिए, इनफाइनाइट स्लोप। कोहेजनलेस सोइल के लिए मतलब जिसका सी की वैल्यू जीरो हो, कोहेजनलेस सोइल्स के लिए जिसमें सी की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, सी होता है कोहेजन, कोहेजन की वैल्यू जिसमें जीरो होती है उसके लिए बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं, ड्राई कंडीशन है। इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन यदि हमें स्टेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, किसी भी यदि जनरली डिफाइन करें, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स बाय द एक्चुएटिंग फोर्स। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय एक्चुएटिंग या डिस्टर्बिंग फोर्स, इसको डिस्टर्बिंग फोर्स भी बोलते हैं, डिस्टर्बिंग फोर्स। इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स बाय डिस्टर्बिंग फोर्स। यदि हमारा रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्टर्बिंग फोर्स तो हमारी स्लोप जो है वो स्टेबल होगी। तो हमें इन दोनों का रेशियो ही डिटरमाइन करना होता है, उसी की हेल्प से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं whether soil will fail or not. If the factor of safety is greater than one, soil is slope is stable. Slope is stable. Greater than equal to one. If less than one, then the slope will fail. Less than one, slope will fail. So this is the factor of safety. बात करते हैं ड्राई कंडीशन में, इनफाइनाइट स्लोप में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
इफ वी हैव दिस इनफाइनाइट स्लोप, कंसिडर करते हैं ये एक इनफाइनाइट स्लोप है, ये एंगल हमें पता है बीटा, और आपके पास एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, हम स्लोप का एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल, इसके डाटा में जाने से पहले कुछ मैं एजम्पशन बता देता हूँ आपको जो हम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में कंसिडर करके चलते हैं। तो वो एजम्पशंस क्या है, एक बार वो राइट डाउन कर लो आप, एजम्पशंस इन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, ये एजम्पशन जरूरी है क्योंकि हम ये एजम्पशन इसमें यूज करेंगे, एजम्पशंस इन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स या स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, या फिर आप क्लासिक एनालिसिस ऑफ स्लोप, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2D प्रॉब्लम्स कंसिडर करके चलेंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जब आपकी जो थिकनेस है, लेट मी एक्सप्लेन, अगर ये आपकी स्लोप है तो हम एक डेप्थ पैरामीटर कंसिडर करते हैं और एक विड्थ पैरामीटर कंसिडर करते हैं। जो थिकनेस है स्लोप सॉइल की, ये जो टी थिकनेस है, इसको यूनिट 1 मीटर मान के चलते हैं। तो वी विल कंसिडर द एवरी प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एज अ 2D प्रॉब्लम। सेकंड जो हमारी इसके अजम्पशंस हैं वो है, जो आपकी जो फेलियर होगा स्लोप का एट अ सर्टेन डेप्थ एच, मानते हैं ये जो हमारी सोयल है, यदि इसमें फेलियर होता है किसी डेप्थ एच के ऊपर, तो उस डेप्थ पर, उस पर्टिकुलर डेप्थ पे आपकी जो सी और फाई की वैल्यू है, सी एंड फाई वैल्यू, मतलब क्या है, जो सोयल की सोयल पैरामीटर है, जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं, वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये जो पैरामीटर्स हैं, दिस पैरामीटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट दैट पर्टिकुलर फेलियर ऑफ स्लोप। यदि यहां से स्लोप फेलियर होएगा तो ये दोनों पैरामीटर कॉन्स्टेंट रहेंगे हमारे पास, ये वेरी नहीं करेंगे, दे में वेरी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ वेरी कर सकते हैं, लेकिन एट अ सेम लेवल इन इन ऑल अराउंड द स्लोप दिस पैरामीटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो एक ये अजम्पशन है, तो दीज आर टू मेन अजम्पशंस दैट वी विल ऑल्सो यूज इन द हेयर इन फाइंडिंग आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कोहेजनलेस सोइल। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, लेट दिस इज द इनफाइनाइट स्लोप ओवर, इनफाइनाइट स्लोप ओवर्स, दिस इज बीटा एंगल, हम मानते हैं सर्टेन डेप्थ एच इनसाइड द सोयल, एंड दिस इज विड्थ बी विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर, इसकी वैल्यू हमने 1 मीटर मान ली है। तो हमें पता है जो इसका वेट है सोयल का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो यदि इसका नॉर्मल फोर्स जो निकालेंगे सोयल का, तो वो क्या आएगा, W cos बीटा, और जो इसको अनस्टेबल करने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी W sin बीटा वैल्यू। सो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो हमारे पता है जो रेजिस्टिंग फोर्स जो होगा, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स बाय डिस्टर्बिंग फोर्स, तो रेजिस्टिंग फोर्स जो हमारा होगा, हमें पता है फ्रिक्शन एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आपका प्रिवेंट करता है स्लोप के फेलियर को, और फ्रिक्शन कैसे निकाला जाता है, यदि एक पूरा सोर्स को, वैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पर लाई करेगा इसके सेंटर पे, यदि हम यहाँ मान लेते हैं, यदि ये फ्रिक्शनल फोर्स है FF, तो वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या है यहाँ पे, FN यदि बोलूँ उसको, FN या फिर N ही बोलो आप, कंफ्यूजन कम रहेगा, म्यू इंटू N, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, W इंटू कोस बीटा, ठीक है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा आपका एफ एफ इजिकल्स टू डब्ल्यू इंटू कोस बीटा इंटू म्यू, दिस विल बी योर फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये W क्या है पहले ये समझो, ये वेट कैसे निकाल सकते हैं, हमें हमारे पास हमें B की वैल्यू पता है, H पता है, तो ये W कैसे निकाल सकते हैं। W का फॉर्मूला जो आएगा, यदि यहाँ पे स्ट्रेस निकाले हम, यदि इसका यूनिट वेट गामा है इस सोयल का, इफ गामा टी इज द यूनिट वेट ऑफ सोयल, देन W इज गिवन एज गामा टी एंड वी विल कंसिडर दिस डेप्थ, बिकॉज दिस डेप्थ इज मच ग्रेटर एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस डेप्थ, वी विल बी कंसिडरिंग दिस डेप्थ ओनली। इफ दिस एंगल विल बी ऑल्सो बीटा बाई द प्रॉपर्टी ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इफ दे हैव मेकिंग द एंगल बीटा देन द परपेंडिकुलर लाइंस ऑल्सो विल मेक एंगल बीटा, सो दिस विल बी गामा टी एंड दिस वट इज दिस डेप्थ, दिस विल बी अवर एच कोस बीटा, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी एच कोस बीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, गामा टी एच कोस बीटा, ये आपकी स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है। अब कहाँ पर, यहाँ पर, तो अब इसको यदि हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट विड्थ, यूनिट थिकनेस, सॉरी यूनिट थिकनेस जो है अंदर, जो इनसाइड हम पहले बताई भी थी, जो हम एज्यूम करके चलते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास, फोर्स बन गया, और वही हमारा क्या होता है सेल्फ वेट ऑफ दी स्लोप जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेल्फ वेट यहाँ से अब निकाल सकते हैं हम। तो यदि अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा हमारा, रेजिस्टिंग फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू कोस बीटा इंटू म्यू, डब्ल्यू कोस बीटा इंटू म्यू, एंड डिस्टर्बिंग फोर्स क्या है डब्ल्यू साइन बीटा, सो डब्ल्यू साइन बीटा, म्यू जो होता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो टेंजेंट फाई के इक्वल होता है। म्यू क्या होता है, म्यू की आपको पता भी होगा टेंजेंट फाई के इक्वल होता है, कैसे होता है सिंपली, सिंपल है वैसे बता देता हूँ जल्दी से एक बार, यदि मान लिया ये हमारे पास एंगल फाई है और ये कोई बॉडी रखी है जिसका मास एम है, तो ये कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा म्यू टाइम्स एन, ये एन, ये इसका एम जी हो जाएगा और ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी म्यू एम जी कोस थीटा। यदि इसको स्टेबल रहना है, इस ऑब्जेक्ट को स्टेबल रहना है, तो म्यू एन शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, तो वहां से आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा, आपका एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और म्यू आ जाएगा आपके पास टेन थीटा के इक्वल, जो मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ आपको डायरेक्टली। फाई जो अब यहाँ पे वो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वहां पे जो फाई था वो स्लोप था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, तो इसको जब सोल्व करेंगे डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो साइन बीटा कोस बीटा को नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा टेंजेंट फाई बाई टेंजेंट बीटा, ये क्या आ गया हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कोहेजनलेस सोयल इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन, तो ये आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टेंजेंट फाई बाई टेंजेंट बीटा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमें फाई शुड बी ग्रेटर देन बीटा, यदि फाई की वैल्यू बीटा से कम होगी तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन वन आएगा, उसका मतलब होगा स्लोप विल फेल, बट वी वॉन्ट डेट द स्लोप विल नॉट फेल, उस सिनेरियो में फाई शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन बीटा फॉर कोहेजनलेस सोयल, ओनली फॉर कोहेजनलेस सोयल, तो फाई आपका बीटा से ज्यादा होना चाहिए कोहेजनलेस सोयल के केस में, ठीक है। तो ये तो था ड्राई कंडीशन, अब बात करते हैं अंडर द सीपेज फ्लो, यदि हम सीपेज फ्लो में बात करते हैं, सीपेज फ्लो कंडीशन उसमें क्या होगा, क्या डिफरेंट क्या होगा उसमें,
उसमें डिफरेंट ये होगा, आपकी जो बूट टेबल होगी अब सरफेस पे होगी कहीं, मानते हैं। इसको इरेज करता हूँ, आप सीपेज फ्लो कंडीशन हमारे पास ये है, सीपेज फ्लो कंडीशन। सीपेज फ्लो कंडीशन में कैसे काम करते हैं, बेसिकली ये स्लोप है हमारा इनफाइनाइट स्लोप, एंगल ये है बीटा। अब सीपेज फ्लो में आपका वाटर टेबल कहीं एट सर्टेन डेप्थ H1 है इनसाइड द सोयल, एट H1 डेप्थ। इसको मैं थोड़ा बड़ी फिगर बनाता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन कंफ्यूज करेगा आपको वरना बाद में। लेट से ये है, ये डेप्थ आपकी है H1 और ये डेप्थ आपकी है H2। इसका जो यूनिट वेट है सोयल का वो है गामा T1 और इसका है गामा T। और इसको आप, क्योंकि आपकी वाटर टेबल यहाँ पे है तो उस सिनेरियो में आपके पास ये जो है ये हमें रिक्वायरमेंट होगी गामा सेचुरेटेड की। तो गामा टी काइंड ऑफ एक गामा सेचुरेटेड है यहाँ पे। सो बेसिकली अब इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे हम, तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए फॉर्मूला सेम है हमारे पास, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई एक्चुएटिंग फोर्स। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स बाई एक्चुएटिंग फोर्स। अब एक पोर्शन मानेंगे, जैसे पहले माना था हमने इस डेप्थ के ऊपर स्ट्रेस निकालेंगे, तो स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू होगी गामा टी H1 प्लस गामा सेचुरेटेड H2 कोस बीटा, क्योंकि हमने पहले ही भी बताया था ये हो जाएगा H1 कोस बीटा, ये डेप्थ। और ये डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास H2 cos बीटा के करीब, H2 cos बीटा। तो आपका जो स्ट्रेस आएगा इस डेप्थ के ऊपर वो आएगा गामा टी H1 प्लस गामा सेचुरेटेड H2 cos बीटा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि निकालना है तो आपको सिग्मा की वैल्यू पता चल गई, जिसे हम W भी बोल रहे थे, इसको वेट भी बोल सकते हो आप, इफेक्टिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो। वेट का बोलोगे इफेक्टिव स्ट्रेस को एरिया इंटू यूनिट थिकनेस, तब आप इसको वेट बोलते हो। तो वही करना है, तो रेजिस्टिंग फोर्स बाय एक्चुएटिंग फोर्स। तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होएगा, सिग्मा कोस कोस बीटा इंटू टेंजेंट फाई डिवाइड बाय सिग्मा साइन बीटा, दैट विल बी अवर फॉर्मूला। सो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है इस सिग्मा में और इस सिग्मा में, यहां पर जो हम यूज करते हैं गामा सबमर्ज यूज करते हैं, यहां पे जो वैल्यू यूज करेंगे गामा सबमर्ज, या जैसे अभी मैं लिख के दिखाता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। अब जो वैल्यू आएगी गामा टी H1 प्लस गामा सबमर्ज H2 इंटू कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट फाई, कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट फाई डिवाइड बाय, अभी जो टेंजेंट फाई यहां पे आपने, इसमें डिफरेंस आएगा गामा सबमर्ज का, आप यहां पे गामा सबमर्ज यूज करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या यूज करेंगे, गामा सेचुरेटेड H2 कोस बीटा साइन बीटा। तो इससे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा वो इस केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, यहां से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा इन केस ऑफ सीपेज कंडीशन। अब बात करते हैं इसी का एक स्पेशल केस,
व्हेन द वॉटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल, यदि जो पानी है ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, बस उस केस में यदि ये डेप्थ एच है हमारे पास, तो हमारे पास गामा सैचुरेटेड सैचुरेटेड गिवन रहेगा, तो इस फॉर्मूले में जो चेंज आएगा, आपके पास गामा सबमर्ज्ड है ऊपर, ये पैरामीटर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा? गामा सबमर्ज्ड बाय गामा सैचुरेटेड अगेन कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, तो टेंजेंट फाई डिवाइड बाई टेंजेंट बीटा, टेंजेंट फाई डिवाइड बाई टेंजेंट फीटा बीटा, दिस विल गिव अवर न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट पैरा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो यूजुअली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है बहुत, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ आवर सीपेज विल बी अलोंग द सरफेस स्लोप देन व्हाट विल बी द न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वो यहाँ से डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था इन केस ऑफ कोहेजनलेस सोयल। अब बात करेंगे कोहेजिव सोयल में, हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कोहेजिव सोयल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कोहेजिव सोयल्स, इन केस ऑफ कोहेजिव सोयल, कोहेजिव सोयल में आपके पास C5 सोयल होगी बेसिकली, तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स बाय एक्चुएटिंग फोर्स, और इसी को बोल सकते हैं शियर स्ट्रेंथ, या शियर इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ बाय मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ, मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ कितनी मोबिलाइज होगी अलोंग दैट पर्टिकुलर प्लेन। हमें पता है कूलम्स ने फॉर्मूला दे रखा है शियर स्ट्रेंथ निकालने का, वो फॉर्मूला क्या है? गिवन बाय कूलम इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश प्लस सिग्मा टेन फाइ डैश, सी डैश एंड फाइ डैश आर द इफेक्टिव शियर स्ट्रेस पैरामीटर्स वेयर फाइ डैश इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल हैव द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल एंड द मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लोप ऑफ द सोइल, वेट ऑफ दैट स्लोप। लेट अस कैलकुलेट नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ दिस इज अवर स्लोप हैविंग एन एंगल बीटा, सो देन इन दिस केस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज सी डैश प्लस सिग्मा 10 फाई डैश डिवाइड बाई डब्ल्यू साइन बीटा, दिस विल बी अवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इससे एक इम्पोर्टेंट चीज अभी पता चलती है, जो सी डैश वैल्यू है यदि इवन स्ट्रेस इज जीरो भी होगा तो आपके पास शियर स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ वैल्यू सोयल के अंदर रहेगी, तो उस सिनेरियो में क्या है आपकी जो फेलियर है, जो जैसे हमने लास्ट जब कोहेजनलेस सोयल पढ़ा उसमें हमने पढ़ा फाई शुड बी ग्रेटर देन बीटा इन ऑल टाइम फॉर स्लोप फेलियर नॉट टू अकर, बट हेयर वी हैव सम शियर स्ट्रेंथ ऑल्सो, तो यहाँ से हम कुछ डेप्थ तक, यदि मैं आपको ये डायग्राम बताऊं, इफ दिस इज द शियर स्ट्रेस एंड दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, वी हैव दिस डायग्राम फॉर कोहेसिव सोयल, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइव से सी डैश फाइव डैश, सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू, इफ इन दिस पर्टिकुलर केस हेयर वी हैव जीरो स्ट्रेस एंड एज वी मूव डाउनवर्ड द स्ट्रेस विल इंक्रीज, तो देयर इफ इवन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्ट्रेस अप टू दिस डेप्थ वेयर दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस एट दैट डेप्थ, नॉर्मल स्ट्रेस एट दैट डेप्थ, हम इस डेप्थ तक जा सकते हैं फॉर विच एंगल जो है हमारे पास बीटा मे बी ग्रेटर देन फाइव, बीटा ग्रेटर देन फाइव पॉसिबल है
क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अप टू अ सर्टेन डेप्थ एच सी ये हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। सो अप टू डेप्थ एच सी दिस इज पॉसिबल। अब ये डेप्थ एच सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम वो डेप्थ एच सी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे निकलेगी। जो डेप्थ एच सी आपकी कैसे निकाल सकते हैं? वी नो डेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज सी प्लस सिग्मा 10 फाई डिवाइड बाई डब्ल्यू साइन बीटा, राइट। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम? यदि यहां से देखें अगेन सेम फॉर्मूला, यदि ये एच है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच कोस बीटा। ये विड्थ बी है आपकी, तो कैसे लिख सकते हैं सिग्मा को? गामा टी एच कोस बीटा, राइट, इनटू कोस बीटा। ये क्या बन गया आपका? गामा टी एच कोस बीटा इनटू बी, ये आपका 1 यूनिट मान लेते हैं हम, तो इनटू कोस बीटा दिस विल बी वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये क्या बन गया? डब्ल्यू कोस बीटा, डब्ल्यू कोस बीटा। तो गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा हो गया ये आपका, जो सिग्मा की वैल्यू होगी गामा टी एच इंटू कोस स्क्वेयर बीटा। तो यदि ये इसमें पुट करेंगे गामा टी एच कोस स्क्वेयर गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा, और यहाँ पे क्योंकि डब्ल्यू और सिग्मा को रिप्लेस कर सकते हैं हम, डब्ल्यू और सिग्मा एक ही चीज है, तो गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा। अब यहाँ से जो एच है, यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम 1 एज्यूम करके चलें, मतलब क्या होगा इसका? शियर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस ऑफ द सोइल, मतलब कि जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स होगा और एक्चुएटिंग फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में सी प्लस गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा। यहां से यदि हम एच कैलकुलेट कर लें तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल हाइट ऑफ द सोयल फॉर विच द स्लोप इवन फॉर द, यदि इस क्रिटिकल हाइट में एच सी में यदि आपका बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है फाइव से, तो सोयल स्लोप विल नॉट फेल, फेलियर ऑफ स्लोप विल नॉट अकर, फेलियर विल नॉट अकर, फेलियर ऑफ स्लोप विल नॉट अकर, विल नॉट अकर, राइट। तो ये हमने देख लिया, इवन वेन इफ बीटा इज ग्रेटर देन फाइव फेलियर स्लोप का हमारे पास नहीं होगा। इसको रीअरेंज कर लो, एच कैसे निकलेगा? यदि इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो क्या आएगा? गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा माइनस गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट फाइव। तो इसमें गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा तो कॉमन ले सकते हैं हम, इंटू 1 माइनस टेंजेंट फाई विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सी। अब यहां से आप डायरेक्टली एच कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ गलत लग रहा है इसके अंदर, यहां पे जो आना था ये साइन बीटा है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी? गामा टी एच कोस बीटा इंटू साइन बीटा आएगा यहाँ पे, तो इसको करेक्शन करते हैं, यहाँ पे गामा टी एच कोस बीटा साइन बीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा था? डब्ल्यू जो होता है हमारे पास गामा टी एच कोस बीटा होता है, यहाँ पे एक गलती है, जो डब्ल्यू होता है गामा टी एच कोस बीटा होता है, तो यहाँ पे क्या
क्या आएगा, गामा टी एच कोस बीटा इंटू साइन बीटा। तो इसी के जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन पुट करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब वन पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा, गामा टी एच कोस बीटा साइन बीटा। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल देंगे, गामा टी एच कोस बीटा यदि इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, गामा टी एच कोस बीटा साइन बीटा माइनस गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट फाइव, कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट फाइव। तो यहाँ से कॉमन लेंगे गामा टी एच कोस बीटा, तो क्या आएगा साइन बीटा माइनस कोस बीटा टेंजेंट फाइव। ये हम देख सकते हैं, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम डायरेक्टली एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एच। अभी यहाँ पे एक चीज भी और भी कर सकते हैं, यदि इसको कोस स्क्वेयर कर दें और कोस से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, साइन बीटा बाई कोस बीटा विच विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा। तो आपका एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सी वाई गामा टी एच, अब उस कोस बीटा को बाहर निकाल लिया, कोस स्क्वेयर बीटा हो जाएगा, गामा टी एच कोस स्क्वेयर बीटा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट फाइव, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट फाइव, दिस विल बी अवर क्रिटिकल हाइट फॉर विच द स्लोप विल नॉट, स्लोप फेलियर विल नॉट अकर इवन व्हेन द बीटा इज ग्रेटर देन 5। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हेन द स्लोप विल नॉट, स्लोप फेलियर विल नॉट अकर। सो दिस इज द केस ऑफ द सी, इन द केस ऑफ सी फाइव सोयल इन इनफाइनाइट स्लोप। नाउ वी विल सी Now one thing also we can see here, in case of purely cohesive soil, मतलब क्या हुआ, only case of sea soil, we have only value of c, we don't have 5, मतलब क्या हो गया बताता हूँ, in case of purely cohesive soil what will be the factor of safety, एक ये question भी पूछा जाता है। इन केस ऑफ प्योरली कोहेजिव सोयल, इन केस ऑफ प्योरली कोहेजिव सोयल सी ओनली, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, एज वी आई ऑलरेडी सेड सी प्लस सिग्मा टेन फाइव डिवाइड बाय डब्ल्यू साइन बीटा, बट इफ वी हैव फाइव इक्वल्स टू जीरो then we only have value of c, then it is written as c by w sin beta, and we also know that w equals to gamma t h cos beta, so c divided by gamma t h cos beta sin beta, this will be our factor of safety in case of purely cohesive soil, इसको बोलते हैं एफ सी, आप इसको बोलते हैं एफ सी। और इसी में जो फॉर्मूला है कोस बीटा साइन बीटा को ही बोलते हैं, कोस बीटा साइन बीटा को ही बोलते हैं एस एन, विच इज स्टेबिलिटी नंबर, विच इज स्टेबिलिटी नंबर। ये नंबर कैसा होगा, क्योंकि दोनों एंगल है तो एक डायमेंशनलेस नंबर है, ये स्टेबिलिटी नंबर इज डायमेंशनलेस नंबर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेदर स्टेबिलिटी नंबर हैज सम यूनिट, तो स्टेबिलिटी नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन इज इक्वल टू सी बाय गामा टी एच, यदि इसको एस एन को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा, सी बाय गामा टी एच एस इंटू एन, दिस विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। सो दिस इज द अवर इन बी डूइंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स इन केस ऑफ कोहेजिव सोयल्स। स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी इन केस ऑफ कोहेजिव सोयल। तो बेसिकली कोहेजिव सोयल्स में
जो मेथड ऑफ एनालिसिस है दीज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपके पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो मेथड्स हैं टोटल स्ट्रेस मेथड। टोटल स्ट्रेस मेथड क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो उसमें पैरामीटर यूज होगा वो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर यूज होगा, ना कि इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर यूज होगा। तो वी हैव टोटल स्ट्रेस मेथड्स एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस मेथड्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में स्टेबिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ फाइनाइट सोयल, इन केस ऑफ फाइनाइट स्लोप दीज आर क्लासिफाइड इन टू टोटल स्ट्रेस मेथड एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस मेथड। टोटल स्ट्रेस अप्रोच और इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच वी हैव मेनली थ्री मेथड्स डेट वी विल स्टडी। वन इज द स्वेडिश सर्कल मेथड, स्वेडिश याद करो स्वीडन से, वी नो स्वीडन कंट्री, तो वहां से स्वेडिश सर्कल मेथड जो है एक हो गया हमारा। सेकंड हमारे पास यहाँ पे होता है फ्रिक्शन सर्कल मेथड, वी हैव फ्रिक्शन सर्कल मेथड एंड थर्ड वन इज फाइव इज इक्वल टू जीरो एनालिसिस मेथड। इसका मतलब क्या है? प्योरली कोहेजिव सोइल। इसका मतलब क्या है? प्योरली कोहेजिव सोइल। सो दीज आर द टोटल स्ट्रेस मेथड। इन केस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस मेथड वी हैव बिशप्स मेथड। बिशप्स मेथड गॉड से याद करो, गॉड बिशप्स कौन थे? क्रिश्चियंस के गॉड्स गॉड में थे ना, तो उसको वहां से याद करो बिशप्स मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे? बिशप्स मेथड होगा एक, हमारे पास होता है टेलर स्टेबिलिटी मेथड। टेलर स्टेबिलिटी नंबर जो इसी का नंबर है वो एक एक्चुअली मेथड से डिराइव होता है जो इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच यूज करता है। तो बेसिकली दीज आर दी टोटल स्ट्रेस अप्रोच एंड इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि स्वीडिश सर्कल मेथड है तो वो टोटल स्ट्रेस अप्रोच यूज करता है या इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच यूज करता है, या फिर फ्रिक्शन सर्कल मेथड है वो टोटल स्ट्रेस अप्रोच यूज करता है या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच यूज करता है। तो हमने देख लिया कि ये बेसिकली जो है टोटल स्ट्रेस अप्रोच यूज करता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इन्हीं मेथड को पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं क्या पढ़ने, मेथड ऑफ स्लाइसिस, स्वीडिश सर्कल मेथड। स्वीडिश सर्कल मेथड और इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ स्लाइसिस, मेथड ऑफ स्लाइसिस। बेसिकली सबसे पहले पढ़ते हैं इन केस ऑफ स्वीडिश सर्कल मेथड, इन केस ऑफ प्योरली कोहेजिव सोइल, फॉर कोहेजिव सोइल्स फाइव इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ प्योरली कोहेजिव सोइल। तो बेसिकली वी नो दैट फॉर फाइनाइट स्लोप, इफ दिस इज द फाइनाइट स्लोप, इफ द फेलियर इज लाइक दिस, इफ फेलियर प्लेन इज लाइक दिस एंड इट इज सर्कुलर इन शेप, ये जो प्लेन है ये सर्कुलर शेप में है, इफ दिस सर्कल हैज अ रेडियस आर समवेयर हेयर, लेट से दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस इज इट्स रेडियस आर। तो इससे हम को ड्राइव करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ फाइनाइट फ्लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है हमें इन केस ऑफ फाइनाइट फ्लो। तो बेसिकली यदि इसका सीजी यहां पर आता है, इस सरफेस का सीजी नेट सीजी यहां पे है, तो दिस विल बी द डेड वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोयल। ये कैसे निकाल सकते हैं वैसे, सीजी कैसे निकालेंगे? सीजी निकाल सकते हो आप, पेपर जो होता है ग्राफ पेपर पे आप
काउंट करके, जो यदि इसमें ग्राफ पेपर पे आप यदि ये डायग्राम प्लॉट करोगे तो उससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से पहले इसको ए, इसको बी नेमिंग दिया, इसको ए और इसको बी, लेट्स से समवेयर हियर ए एस एस, तो कर्व आर्क ए एस बी, आर्क ए एस बी इज स्लिप सरफेस। हमने एक स्लिप सरफेस माना है जहां से सोयल का फेलियर होगा। आर्क ए एस बी इज द स्लिप सरफेस, कुछ भी हो सकता है, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड है। स्लिप सरफेस आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लिप सरफेस कंसिडर करने पड़ते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्लिप सरफेस कंसिडर करते हो तो उससे आप एक कर्व जनरेट करते हो बिटवीन द स्लिप सरफेस, डिफरेंट डिफरेंट स्लिप सरफेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका मिनिमम वैल्यू देगा, यदि मान लिया एकर कुछ ऐसा आया, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर कुछ ऐसा आया, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी मिनिमम वैल्यू देगा वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा उस फाइनाइट स्लोप के लिए। तो ये तो वैसे होगी बात, तो इसका कैसे निकालेंगे? इफ दिस इज द डब्ल्यू एंड इफ वी सी द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर एट फ्रॉम सेंटर पॉइंट ओ, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी एंड वी नो दैट दिस इज द प्योरली कोहेसिव सोयल, सो वी हैव इफेक्ट ऑफ ओनली कोहेजन ओवर दिस सरफेस। वी कैन कैलकुलेट दिस कर्व, लेट्स से दिस वैल्यू इज डेल्टा एल, हम इसको डेल्टा एल बोलते हैं। ये कर्व का जो ए एस बी है, ए एस बी कर्व हैज लेंथ ऑफ डेल्टा एल, कर्व ए एस बी हैज लेंथ ऑफ डेल्टा एल। यदि हम सब सभी फोर्सेस को, हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिंग मोमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट अबाउट ओ डिवाइड बाय ओवरटर्निंग और एक्चुएटिंग मूवमेंट। एक्चुएटिंग का मतलब होता है जो उसको अनस्टेबलाइज करे, जो उसको अनस्टेबलाइज करे, एक्चुएटिंग मूवमेंट, एक्चुएटिंग मूवमेंट अबाउट ओ, अबाउट ओ। सो दिस इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग मूवमेंट बाय एक्चुएटिंग मूवमेंट अबाउट ओ। तो यहां से यदि हमें रेजिस्टिंग मूवमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? रेजिस्टिंग मूवमेंट कैसे निकलेगा? ये जो फोर्स लगाएगा W इंटू डी, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। सो दिस विल बी अवर, दिस फोर्स विल बी अवर एक्चुएटिंग फोर्स और ओवरटर्निंग मूवमेंट, दिस विल बी अवर एक्चुएटिंग मूवमेंट और ओवरटर्निंग मूवमेंट। और रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा? जो ये कोहेजन का फोर्स है, यदि कोहेजिव फोर्स के कारण स्लोप, यदि कोहेजिव फोर्स आपका ज्यादा हो जाता है, उससे जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है ज्यादा है, तो आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन वन आएगा। तो रेजिस्टिंग मोमेंट कैसे निकलेगा? तो रेजिस्टिंग मोमेंट होगा जो आपका, इफ सी इज द कोहेजन देन वी, इफ वी मल्टीप्लाई डेल्टा एल, इफ वी मल्टीप्लाई डेल्टा एल एंड यूनिट थिकनेस इन साइड, सी इंटू डेल्टा एल एंड यूनिट थिकनेस इन साइड, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ मल्टीप्लाइंग विद इट आर, सो दिस विल बी अवर रेजिस्टिंग मूवमेंट एम आर, दिस विल गिव अस रेजिस्टिंग मूवमेंट एंड एक्चुएटिंग मूवमेंट। वी कैन सी ऑल अदर फोर्सेस, वी हैव अनदर फोर्स ऑल्सो हेयर, दैट इज वेट हेयर। इफ दिस इज डब्ल्यू, इफ आई एज्यूम सर्टेन बीटा फॉर दिस ओनली दिस स्लाइस हेयर, हाउ एवर वी डू नॉट कंसिडर स्लाइस इन केस ऑफ कोहेजिव सोयल ओवरऑल, वेल दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ दिस इज एन एंगल बीटा देन डब्ल्यू, दिस विल गिव जस्ट डब्ल्यू कॉस बीटा एंड दिस विल बी अवर डब्ल्यू साइन बीटा। सो यदि फोर्स निकालना है, यदि इसके बाद मूवमेंट लेंगे तो वी हैव अ मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू साइन बीटा इनटू दिस डिस्टेंस और
because w cos beta will cancel out, but if we directly take w, so w into d, then we do not need to worry about their components. So aap directly kya karoge, w into d, this will give us overturning moment. So the ratio of resisting moment by actuating moment will be our factor of safety. Now we can say that factor of safety will be equals to C delta L into R divided by W into D. This will be our factor of safety. और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार गेट के अंदर, तो खासकर आपको डायरेक्टली वेट दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोहेसिव सोइल, प्योरली कोहेसिव सोइल इन बिशप्स मेथड, इन स्वीडिश सर्कल मेथड, सॉरी. तो दिस इज, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गिव इट 5 स्टार. सो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एट एवरी टाइम. नाउ वी विल टॉक अबाउट इन केस ऑफ कोहेजन लेस सोइल या C5 सोइल्स. दिस इज only cohesive soil. Now we'll talk about C5 soil, radius circle method in case of for cohesive and frictional soil. This is cohesive and frictional soil, cohesive frictional soils, for cohesive frictional soil, cohesive frictional soil. तो इसमें आपको करना क्या है, सेम है आपके पास, ये स्लोप है, कोई फाइनाइट स्लोप है. यदि ये आपका फेलियर सरफेस है, सर्कुलर फेलियर सरफेस है, और ये आपकी रेडियस आर है, एट दिस इज अवर पॉइंट ओ, देन इन दिस पर्टिकुलर केस वी कंसिडर द स्लाइसेस, वी कन्वर्ट दिस पार्ट इंटू नंबर ऑफ स्लाइसेस ranging from 6 to 12. So here I have considered 6 slices. We will make slices and in the range of 6 to 12. क्यों करना है, स्लाइस क्यों बनानी है, पिछले केस में स्लाइस क्यों नहीं बनाई वो अब हम देखेंगे. जैसे मान लिया ये कोई स्लाइस थी, आयत स्लाइस है, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू आई, और कोहेजन एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में अलोंग द फेलियर सरफेस ऑफ द स्लोप. सो बेसिकली वी हैव, इफ वी डू द कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, इफ दिस इज एज्यूम करते हैं कुछ भी बीटा आई एंगल है, तो दिस विल बी डब्ल्यू आई कोस बीटा आई एंड दिस विल बी डब्ल्यू आई साइन बीटा आई, साइन बीटा आई. तो ये हमने कंपोनेंट्स देख लिए, डब्ल्यू आई कोस बीटा आई एंड डब्ल्यू आई साइन बीटा आई. नाउ इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दिस पर्टिकुलर केस, हाउ डू वी प्रोसीड, वी यूजली टेक द विड्थ ऑफ ईच स्लाइस सेम. इफ द विड्थ हेयर इज बी, देन द विड्थ हेयर आल्सो विल बी बी, सो विड्थ ऑफ ईच स्लाइस विल बी सेम. एंड इफ वी से दिस इज सम, let's say only this part is delta L, our arc, this arc is delta L, and now we want to calculate the factor of safety. As we already know, factor of safety formula will remain same, that is resisting moment about point O to the actuating moment about point O. So basically ab resisting moment kaise nikalenge isme, we know that the there is some force, let me write here, we know that the shear stress is given as C plus sigma tan phi, we know that shear stress is given as C plus sigma tan phi. यदि अभी मूवमेंट निकालना है तो we have to multiply it with area and some lever arm to give us the movement. So we have, what is the C value here, we have given the C value, now we have to find the sigma value. So for particular case sigma value will be given as wi cos beta i, wi cos beta i, this will be our sigma value.
तो डब्ल्यू आई कोस बीटा आई विल बी योर सिग्मा वैल्यू एंड टेंजेंट फाइव वी ऑलरेडी नो वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ फाइव. सो हाउ वी कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज सी प्लस लेट वी टेक अगेन द मूवमेंट वी नो दैट दिस विल बी अवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. लेट मी राइट हेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सी. वी हैव टू टेक ऑल दी वैल्यू ऑफ कोहेजन अलोंग दी आर्क दिस आर्क. तो यहाँ पे यदि सी है यदि ये डेल्टा एल लेंथ है तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आपके पास शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी. सी इंटू डेल्टा एल इंटू वन. अगेन वन वन इज द यूनिट थिकनेस इनसाइड द दिस सोइल सोइल केस. तो सी इंटू डेल्टा एल इंटू वन इंटू आर. दिस विल गिव अस द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ. बट वी हैव ओनली ऑफ दिस स्लाइस. वी हैव टू सम ऑल दिस स्लाइसेस. सी डेल्टा एल आई वी हैव नोन दैट दिस इज द डेल्टा एल आई. वी हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम ऑल दी वैल्यूज. सो दिस विल गिव अस सी आई सी इंटू डेल्टा एल आई इंटू वन इंटू आर प्लस अगेन सिमिलर सिनेरियो मूविंग फ्रॉम आई इक्वल्स टू वन टू एन डब्ल्यू आई कोस बीटा आई टेंजेंट बीटा टेंजेंट फाई इंटू आर. लेट मी राइट इन द नेक्स्ट लाइन. लेट मी राइट इट इन द नेक्स्ट लाइन. दिस विल बी प्लस डब्ल्यू आई कोस बीटा आई डब्ल्यू आई कोस बीटा आई इंटू टेंजेंट फाइ इंटू आर एंड समेशन एयर फ्रॉम आई इक्वल्स टू वन टू एन डिवाइड बाई दिस विल बी अवर दिस विल गिव अवर रेजिस्टिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ एंड एक्चुएटिंग मूवमेंट विल बी डब्ल्यू आई साइन बीटा आई दैट इज ऑल्सो समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन. दिस विल बी अवर रेजिस्टिंग मूवमेंट इन दिस केस. सो दिस विल बी अवर न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कोहेसिव फ्रिक्शनल सोइल. ये क्वेश्चन यूजुअली कम पूछा जाता है तो लेकिन पता तो होना चाहिए. तो फॉर्मूला क्या है ये आप ध्यान रखना. डायरेक्टली फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो यहाँ से. तो ये था हमारे पास स्वेडिश सर्कल मेथड. इन केस ऑफ वी यू विल यूज हेयर टोटल स्ट्रेस अप्रोच. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन सर्कल मेथड. फ्रिक्शन सर्कल मेथड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन सर्कल मेथड. द सेकेंड मेथड दैट इज फ्रिक्शन सर्कल मेथड. फ्रिक्शन सर्कल मेथड में ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रिक्शन सर्कल मेथड से. बेसिकली सिंपली पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन से फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं या फिर देखते हैं आपको समझ में आएगा जनरली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इफ दिस केस ऑफ इफ दिस इज द केस ऑफ फाइनाइट स्लोप इफ दिस इज फाइनाइट स्लोप एंड दिस इज द फेलियर प्लेन सर्कुलर इन शेप. सर्कुलर इन शेप दिस इज द फेलियर प्लेन सर्कुलर इन शेप. तो बेसिकली इन केस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल मेथड द रिजल्टेंट फोर्स. नाउ वी ऑलरेडी नो हेयर सम कोहेसिव कोहेजन वैल्यू विल एग्जर्ट हेयर सम डब्ल्यू वैल्यू विल एग्जर्टेड बाय दिस टाइप दिस सोयल. नाउ देर विल बी सम रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग हेयर ड्यू टू दीज टू फोर्सेस. नाउ द रिजल्टेंट फोर्स इज सच दैट दिस रिजल्टेंट फोर्स इज सच दैट इट विल पास दिस रिजल्टेंट फोर्स विल बी सच दैट
इफ दिस इज द ओ हैविंग मेक एन मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर देन If this is the resultant force, let me again write. If this is the circle here, and the radius is r sine phi, where phi is the angle of internal friction, then this resultant force will pass through the tangent of this circle such that the radius of circle is r sine phi. So failure plane जो बनेगा जो फेलियर प्लेन बनेगा वो फेलियर प्लेन का जो रिजल्टेंट फोर्स है जहां पर आपकी आर्क है जहां पे आपका सेंटर था वो उससे आर साइन फाइव डिस्टेंस के ऊपर आपका क्या मिलेगा फेलियर टेंजेंट के थ्रू उसके पास होगा. यदि बड़ा सर्कल भी हो सकता है छोटा सर्कल भी हो सकता है सभी पॉसिबिलिटीज है डिपेंडिंग अपॉन दी फेलियर प्लेन. So basically based on the failure plane that we will consider from the heat and trial method, we will be able to find out the R sin phi value here. So एक line लिख लेते हैं यहाँ पे basically. एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए. इन केस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल मेथड इन केस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल मेथड रिजल्टेंट फोर्स will pass through tangent of the circle having radius r sin phi. So फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज अ टोटल स्ट्रेस मेथड इन विच द रिजल्टेंट फोर्स विल पास थ्रू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस आर साइन फाइव. सो दिस इज अवर फ्रिक्शन सर्कल मेथड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वी विल डू नॉट स्टडी फाइ यू इक्वल टू जीरो एनालिसिस मेथड और प्योरली कोहेसिव मेथड. बेसिकली दैट इज नॉट आस्क इन द पेपर सो देर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग दैट मेथड. We will directly study the Taylor stability number because the questions from the Taylor stability number are usually been asked many times. We already seen the SN weak Taylor stability number is noted by SN. So SN we already seen SN that is known as stability number whose formula is cos beta sin beta. सो यदि देखा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्टेबिलिटी नंबर में 0.5 बट मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ सोयल वी यूजुअली सी एज मैक्सिमम एज 0.26. ये मैक्सिमम वैल्यू 0.26 तक जा सकती है इन केस ऑफ सोयल. थियोरेटिकली 0.5 तक जा सकती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑब्वियसली 1 बाय रूट टू विच विल गिव जस 1 by root 2 into 1 by root 2 which will give us 0.5 theoretically maximum value. Let's start with some introduction of Taylor stability number. Taylor stability number mainly आपको इस तरीके से टेलर स्टेबिलिटी नंबर टेलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ग्राफ ड्रा किए कंसिडरिंग डेप्थ फैक्टर ग्राफ बिटवीन द डेप्थ फैक्टर एंड द स्टेबिलिटी नंबर हैविंग इसमें जो उन्होंने ग्राफ ड्रा किए हैं
डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए हैं कंसिडरिंग डिफरेंट फाइव डिफरेंट स्लोप एंगल्स. ही कंसिडर द डिफरेंट स्लोप एंगल्स टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी नंबर. बेसिकली पर्पस क्या था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करें और ऐसे स्लोप्स डिफाइन करें, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स. लाइक इफ दिस इज द फाइनाइट स्लोप, वी हैव दिस स्लोप बीटा वन, देन ही टुक अनदर स्लोप बीटा टू, देन ही मे टुक स्मॉलर माइल्ड स्लोप बीटा थ्री. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दी स्लोप्स ही फाइंड आउट द पोटेंशियल फेलियर सरफेस, पोटेंशियल फेलियर प्लेन थ्रू विच द फैक्टर ऑफ सेफ्टी और स्टेबिलिटी नंबर हैज बीन कैलकुलेटेड. ही डिवाइज द मेथड एंड गिव्स द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन एंड ही गिव अस द फॉर्मूला ऑफ सी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई गामा टी एच एस एन. दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाई हिम टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन. सो बेसिकली टेलर स्टेबिलिटी नंबर में आपको ज्यादा कुछ याद रखना, मेनली ये आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है. डेप्थ फैक्टर क्या होता है वैसे, डेप्थ फैक्टर जैसे ये आप फाइनाइट स्लोप है, इफ दिस इज एच एंड दिस इज डी, देन द रेशियो ऑफ डेप्थ फैक्टर जो होता है आपका, यदि मैं इसको डी एफ बोल देता हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ डी प्लस एच डिवाइड बाई एच. सो दिस इज द डेप्थ फैक्टर, डी प्लस एच डिवाइड बाई एच. सो क्या इसके बारे में एक कंक्लूजन हम जरूर निकाल सकते हैं, डेप्थ फैक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन. सो डेप्थ फैक्टर हमारा हमेशा एक से बड़ा रहेगा. तो ये था हमारा मेनली टॉपिक ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी.